गया। ललिता रो रो के बुरा हाल है। मुस्कान के लिए नहीं रो रही है, वो उसका बेटा किडनैप हो गया है। मतलब रंजू ने गेम खेला कि मेरी तूने मेरी बेटी किडनैप की, मैं तेरा बेटा किडनैप करूँगा। तो मैं अपने विक्की के लिए रो रही हूँ, मेरा बेटा कब आएगा। एंड बस वही टिट फॉर टैट वाला चल रहा है हिसाब किताब, तो बड़ा ड्रामा है। एंड आज ललिता को सब जगह से उसको हराया भी तो चालाकी से, इन लोग आसानी से तो हरा नहीं सकते थे, तो उन लोग ने ललिता के साथ ललिता की चाल खेली। तो ललिता बोलती हो अपने आप को बहुत सती सावित्री कहती हो ना, आखिर किया तो वही ना, चाल करके ही तुमने मुझे हराया, ना तो मुझे कोई हरा नहीं सकता था। और ऐसे करके पूरा खानदान मिश्रा जी सब मिल के ललिता के साथ गेम खेलते हैं, बहुत बड़ा गेम। बट ललिता हार मारने वालों में से नहीं है, वो अभी पल में माशा अभी उठ के खड़ी हो जाएगी, फिर कुछ नया दाव लेके आएगी। सो रोना धोना अपने बेटे के लिए। और बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न बैक टू बैक चल रहे हैं तो, और लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? अरे थैंक यू वेरी मच, आप हमारे शो को पसंद कर रहे हैं क्योंकि पूरी टीम बहुत मेहनत कर रही है, एक्टर्स, क्रिएटिव टीम, हमारा प्रोडक्शन, आप लोग सब, चैनल, सब लोग बहुत मिलके कोशिश कर रहे हैं कि ये शो हमारा 8 महीने से नंबर 1 पर है और जब तक ये चले नंबर 1 पर रहे। तो इसलिए अच्छा है कि ट्विस्ट एंड टर्न आ रहे हैं, लोगों को चैनल शो अच्छा लग रहा है, तो मज़ा आ रहा है। मैं भी अभी जयपुर या दिल्ली गई थी तो वेरी सरप्राइजिंगली लोग आके मुझे बोलते थे अरे वी लव ललिता, ऐसा हाउ कैन यू लव ललिता, शी इज सो बैड। तो उन लोगों ने एक बार ललिता इज़ नॉट बैड, जो मैं हमेशा बोलती हूँ, एंड कि ललिता अपनी फैमिली के लिए, अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए, बेटा किडनैप हुआ तो खड़े खड़े उसने घर बेच दिया, मतलब वो ऐसी है, तो वो अपने बच्चों के लिए करती है जो भी करती है। सो आई लव दैट व्हाट इज़ माय कैरेक्टर, पीपल आर अंडरस्टैंडिंग एंड दे आर लविंग माय कैरेक्टर, सो इट्स अ वेरी नाइस थिंग एंड आई कैन जस्ट से थैंक यू वेरी मच, कीप मी लविंग, कीप मी ऑन योर प्रेयर्स एंड कीप वॉचिंग रंजू की बेटिया। थैंक यू। फोटोज के लिए थोड़ा और पीछे नहीं, हमारी चाल फेल नहीं हुई है, आगे हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। हमारी और भी बहुत सारी चालें हैं पर उसे पहले एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, तो वो ट्विस्ट हम यहाँ पे हम नहीं बता सकते राइट नाउ। वैसे तो बताने का बड़ा मन है मेरा पर अब नहीं बता सकते, तो है आगे काफ़ी सारे ट्विस्ट है और देखते हैं कि ललिता जी और अभी क्या आगे प्लान करती है। मुझे तो प्लान को एक्सिक्यूट करना है, तो मैं वेट करूँ कि ये कुछ प्लान मुझे दे, मुझे कुछ जॉब दे, मैं जाके वो एक्सिक्यूट करूँ और फिर वो जॉब फेल हो बैक फिर वो जॉब करूँ फिर, तो मेरा काम यही है। तो आई एम वेटिंग फॉर कि क्या आपका अगला प्लान। देखो 200 एपिसोड होने वाले हैं अभी बहुत जल्दी, सो फर्स्ट ऑफ ऑल एंटायरिटी कंग्रेचुलेशन। हम लोग ने 200 एपिसोड कंप्लीट किए हैं, यही ललिता चाल पे चाल खेलती है, हारती है, खेलती है, लेकिन छोड़ती नहीं है भाई। ताकत देखो फिर उठ जाती है, मतलब मैं खुद बोलती हूँ कैसी औरत है भाई, पति के पीछे पड़ी रहती है, बेटों के पीछे पड़ी रहती है। ये प्यार है आपका भाई, ऐसा प्यार भाई, ऐसा प्यार पर्सनल लाइफ में चल जाए यहाँ से, बड़ी शिद्दत है। एनी वेज दैट इज़ ललिताज लव। और मैं जैसे कहा कि ललिता की ज़िंदगी में उसका पति गुड्डू मिश्रा, उसके दो बेटे लक्की विक्की और उसकी माँ, बेटे पति की तो एंट्री चली गई, नानी पति की तो एंट्री चली गई, तो अब हमारे खानदान में बचे ये दो और मेरी माँ, और धीरे धीरे हमारा खानदान छोटा 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 होता जाता है क्योंकि जिसके लिए मैं ज़्यादा रोती हूँ मुझे छोड़ के चला जाता है। बाहुबली है कटप्पा, अलग कटप्पा को किसने मारा था, बाहुबली नहीं, बाहुबली को किसने मारा था, कटप्पा। तो ये हमारे कटप्पा है जो एंड में मेरी पीठ में खंजर भोंक देता है। बाहुबली आप तो हमारे लिए माता शिवगामी, माता शिवगामी, ये रोज नए नए नाम देते रहते हैं मुझे दोनों मिलकर। कटप्पा का आप बोला तो कटप्पा को बोलो ना, आप नानी कमाल करने वाले। मैं यही कमाल करने वाला हूँ सर कि मैं ही उस परिवार की तरफ जाने वाला हूँ। अबे चुप, नहीं बोलना है, सॉरी 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 सॉरी। अरे वो तो मैं भी बोल देता ना, नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, अरे इसको कुछ पता नहीं मेरे प्लानिंग क्या होने वाली है, कुछ कुछ नहीं, ये ऐसे ही आ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, अरे ऐसा कुछ नहीं होने वाला, इसलिए मैं इसको कैमरे के सामने नहीं लाती। ये बस आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए बोला है क्योंकि मैं अपनी माँ का साथ कभी नहीं छोड़ने वाला, हम तीनों एक हैं, एक ही रहेंगे। मतलब देखा माँ का साथ नहीं छोड़ने वाला भाई। मैंने तीनों बोला, तीनों हाँ, तो भाई भी है हाँ, तो वही चीज़ हमारे शो में कौन कब पलटी मारेगा भाई नहीं पता, मैं वहीं की वहीं हूँ, वहीं खड़ी रहूँगी। अरे मेरी माँ को भी बुलाओ यार, माँ को बुला, कटप्पा को बुलाइए, मेरे को ले क्या उसको, बहुत मजे नहीं ये है मेरी माँ, ये हमारे शो में मेरी माँ प्ले करती है, रियल लाइफ में मुझे ऐसा लगता है ये मेरी माँ ही है, ये दोनों बेटे नहीं लगते बट माँ ये लगती है। तो हमें भी लगती है कि हमारी नानी है,
मुझे भी लगता है कि हमारी नाती है एंड वेरी वेरी हैप्पी एंड वेरी जॉली पर्सन ऑन द सेट की होती है तो सर रौनक बनी रहती है. सो आप कुछ कहना चाहेंगे एज मदर एज डॉटर एज ट्विस्ट जो हो रहा है घरों में उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ट्विस्ट मत बोलना खाली बस चुप रहना. जो भी हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है. इट इज गुड फॉर द शो सो इट्स गोइंग ऑन वेल. और अपने किरदार के बारे में बताइए कैसा लग रहा है आपको? मेरा कैसा लग रहा है आपको मेरे साथ काम करके? मेरे किरदार का सवाल ये है कि जब मैं फर्स्ट एंट्री हुई थी तो शी वॉज द वन टू कम एंड विश मी एंड ऑल दैट. सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर एंड आई एम वेरी प्राउड टू बी हर मदर ऑल्सो एंड विद माई नातीज बट नॉट विद माई जामाई बाबू. ये बहुत नाराज है कि मेरी लाली को मुझे लाली लाली बुलाती रहती है कि मेरी लाली को छोड़ के उसके पास चला गया. मुझे बोलती है कितना प्यार क्यों करती है उससे, तुझे मैंने ये थोड़ी सिखाया था. तो बोलती जिसको प्यार करती है छोड़ के चला था. ऐसे क्या करूँ माँ, मेरी आदत ही है मैं प्यार करने का. शी इज़ वेरी तकलीफ होती है बट शी इज़ रियल ऑल्सो शी इज़ वेरी गुड एंड आई फील दैट एज इफ शी इज़ माई डॉटर. लकी इज वेरी गुड वेरी स्मार्ट बट समटाइम ही गिव्स बैक बाइट्स. अगर तुम सच बोल देगी चुप रहे. विक्की इज वेरी ग्रेव समटाइम बहुत गंभीर रहता है. पूछती हूँ क्या हुआ बेटा तो बोलेगा मुझे नींद आ रही है मुझे भूख लगी है. और लंच टाइम में जो ये मेरे साथ करता है मैं क्या बताऊँ. बहुत मस्ती करता है. कभी कभी लगता है उठकर लाफा मार दो फिर बोलते चलो नाती है बेटी का बेटा है इसलिए माफ कर दो. बट यही मस्ती है मिस करती है घर जाती है तो उसको याद. यस आई मिस ऑल ऑफ देम. जब मेरे तो शूट्स बहुत कम ही होते हैं पर आई मिस देम. आपको भी हम बहुत मिस करते हैं. अभी 3 दिन आपके बिना शूट किया, पूछो कितना याद किया आप लोगों को. इसके लिए 3 दिन मेरे लिए 4 दिन था. सो ये है हमारा ललिता का पवार. फोटो ना फोटो हाँ लेते ना एक सेकंड बस फोटो तो उधर भी हो गया. ये एक बहुत बड़ा रेवलेशन है और एक बहुत बड़ा धमाका होने वाला है. जाहिर सी बात है कि सब जानते हैं कि ये किसने किया है. ये हमारी आदरणीय धर्मपत्नी ललिता जी ने किया है. ललिता जी बहुत मोहब्बत करती हैं गुड्डू मिश्रा से मगर हरकतें ऐसे कर जाती हैं जिसकी वजह से गुड्डू मिश्रा का जो दिल है वो खट्टा हो जाता है, लोगों का दिल खट्टा हो जाता है. और अब तो इस मुकाम पर पहुंच गई हैं हमारी ललिता जी कि वो किडनैपिंग करने लग गई, वो भी एक छोटी सी बच्ची की. तो आज ये रेवलेशन हो रहा है जहाँ हमारी जो मुस्कान है वापस आ गई है और हम इस बात को जाहिर करने वाले कि हम जानते हैं कि ये काम ललिता मिश्रा ने किया और एक बहुत धमाकेदार वाला सीन हो रहा है. सर शो की टीआरपी बहुत अच्छी है, दंगल पे लोग काफ़ी देख रहे हैं तो आपके किरदार के बारे में लोग काफ़ी मतलब हमने कमेंट्स भी पढ़े हैं तो आपको कैसा लग रहा है रिस्पॉन्स देखिए पब्लिक? भाई इसका श्रेय तो हमारे जो क्रिएटिव हैं, हमारे जो डायलॉग राइटर हैं, हमारे जो जो सीन्स लिखते हैं, जो स्टोरी लिखते हैं. मैं तो कहूँगा कि 90% श्रेय तो उनको जाएगा. 10% थोड़ा बहुत मैं मसाला डाल देता हूँ तो उस 10% का श्रेय मैं लूँगा. बड़ी खुशी हो रही है कि इस किरदार को लोग पसंद करें. उम्मीद करता हूं कि मेरे काम से लोग और भी खुश होंगे और इस शो को देखते रहेंगे. अभी सर लास्ट सवाल, फिल्म और टीवी दो अलग मीडियम है तो आपको किसमें ज़्यादा मज़ा आता है और दंगल टीवी पे आपका शो कब और कैसे देख सकें उसके बारे में लोगों को डायरेक्ट अपील कर सकते हैं? एज एन एक्टर मैं तो यही चाहूँगा कि मेरा जो काम है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, चाहे वो फिल्म हो या टेलीविज़न हो. आज का जो दौर है और जिस हिसाब से टेलीविज़न का रीच है वो नेशनली नहीं बल्कि इंटरनेशनल हो गया है. तो मैं तो यही कहूँगा कि बहुत कम अंतर रह गया है. फिल्म में ये है कि आपने जो सीन किया है वो बार बार आते जाएगा, अगर आपने कोई अच्छा सीन किया है तो वो बार बार प्ले होते जाएगा. टेलीविज़न में सिर्फ इतना है कि आपने एक अच्छा सीन किया, भूल गए, निकल गया, अब एक और नया अच्छा सीन करो, वो यादगार सीन कभी रहता नहीं है. दूसरी बात जो टेलीविज़न के फ़ायदे में ये है कि टेलीविज़न का जो काम है वो जिस स्पीड से होता है उसकी आदत हो गई है. अब जब हम फिल्म पर जाते हैं और जिस स्पीड से फिल्म का काम होता है तो हम लोग बोर हो जाते हैं, अरे भैया जल्दी करो वो टेलीविज़न का स्पीड पकड़ो. बट येस बोथ हैव देयर प्लस एंड माइनसेस एंड आई लव बोथ प्लेटफॉर्म्स एब्सोल्युटली. और अपने शो के बारे में कुछ और कहना चाहेंगे दर्शकों से? हमारे पास बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं. अभी तो शुरुआत हुई है, आगे देखिए होता है क्या. उम्मीद ये है कि आपको एंटरटेन करते रहेंगे हम.
मुस्कान को जब किडनैप किया गया था तो ये हम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इमोशनल मोमेंट था. इनफैक्ट इमोशंस की तो मतलब हद ही हो गई थी कि उसको बेच दिया गया था ऐसी जगह पे जहाँ पे मतलब एक माँ के लिए सबसे बड़ा नाइटमेयर है कि उसकी बेटी को कोठे पे जाके बेच दिया जाए. इट्स अनथिंकेबल. तो वो माहौल में मतलब जैसे जिसके सबके स्पिरिट्स एकदम डाउन हैं और साथ साथ में माता रानी का वो नवरात्रि की पूजा चल रही है तो वो खुशी का माहौल होना चाहिए लेकिन वो एकदम ही हो गया है. एकदम दुख एंड कैसे अपनी बेटी को वापस लेके आए, कैसे इनकी बहनों के ऊपर क्या बीत रही है, यू नो. तो बहुत ज़्यादा मिक्स इमोशंस हैं. टू मच सॉरो एंड टू मच ऑफ मिस्ट्री ऑल्सो कि मतलब अब इसके आगे क्या होगा. तो जब ये वापस आई तो ऑफकोर्स खुशी तो होनी ही है, जाहिर सी बात है. एट द सेम टाइम इसके साथ साथ एक पैरेलल स्टोरी चल रही है कि ललिता ने ये सब उसकी करनी धरनी है, इसके पीछे ललिता जी का हाथ है तो उनको भी एक सबक सिखाना है. तो उनके साथ अब क्या बीतेगी सुनाओ. अगला वो शुरू होगा. यस, आपने बहुत वजन कम किया, हमने आर्टिकल में देखा अभी. क्या कर रहे हैं आप? जो आइडियली सबको करना चाहिए, बस फिटनेस पे ध्यान देना चाहिए, नथिंग एल्स. आई डोंट थिंक ये इतनी बड़ी बात है. यू नो आई नो सब लोग उसको बहुत ऐसे देखते जैसे बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बट एक्चुअली देखा जाए तो एवरीबडी शुड लिव अ हेल्दी लाइफ स्टाइल, दैट्स ऑल. सबसे ज़्यादा ज़रूरी वही है. ये जो होता है ये उसका कॉन्सिक्वेंस है. आप हेल्दी जियोगे तो आपका वेट लॉस गेन जो भी होना है वो कॉन्सिक्वेंस है, वो मैटर नहीं करता. बट एक हेल्दी लाइफ स्टाइल पर स्विच करना आई थिंक प्रायोरिटी होना चाहिए सब लोगों के लिए, मतलब चाहे वो इंडस्ट्री में नहीं है. बिकॉज आपके पास है क्या इवेंचुअली? आपकी बॉडी है, लाइफ है, एंड यू नो योर माइंड एंड योर फैमिली, दैट्स इट. और मुस्कान के लिए वो डांस भी की आपके लिए तो. और मैं एज रूपल एक चीज़ बोलना चाहूँगी, वो डांस देखते वक्त मुझे मज़ा बहुत आ रहा था. आई स्वेयर ये इतनी बेचारी लग रही थी वहाँ. एंड अगर मैं सिर्फ ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से लगूँ देखूँ तो ऐसा लग रहा था हाय बेचारी इतने दर्द में डांस कर रही है, इसको कोई बचा के ले जाओ वापस. सो आई थॉट दैट वाज फैबुलस. आप लोग ने बचा लिया और इसलिए मैंने जाके इसको रेस्क्यू करके ले आई वहाँ से. मुस्कान कैसा लगा बच के आ गए? सर बहुत अच्छा लगा कि मैं वहाँ से बच के आ गए. बहुत हॉरेबल प्लेस है एक्चुअली वो कोठा, जहाँ पे मैं छोटी सी 15 साल की बच्ची वहाँ पहुँच गई जो करके बहुत दर्द में है. जस्ट बिकॉज बुलबुल दीदी को बचाना था इसलिए मुस्कान ने इतना बड़ा कदम उठाया और डांस करने गए. तो वहाँ पे कुछ लोगों ने मुस्कान के साथ छेड़छाड़ भी की जो करके मुस्कान को बहुत बुरा लगा. बहुत रोई कि लाइक शी वॉज प्रेइंग कि माँ प्लीज़ मुझे यहाँ से ले जाइए ले जाइए. बट रेशमा जी को बिल्कुल दया नहीं आ रही थी मुस्कान के ऊपर. वो तो बोल रही थी कि और बोली लगाओ, जितनी महंगी तुम बिकोगी उतना मुझे प्रॉफिट होगा. तो सर मेरे लिए तो लाइक मुस्कान के लिए तो बहुत टेरिफिक था वो जगह. बट उसे बहुत मज़ा आया शूट करने के लिए बिकॉज उसको कुछ न्यू मिला कैरेक्टर और विथ न्यू समथिंग न्यू सेटअप एंड ऑल. तो न्यू लुक भी मिला मुझे तो मुस्कान को बहुत मज़ा आया. बट एट द सेम टाइम वो बहुत माँ को भी याद कर रही थी. आप क्या कहेंगे सिस्टर वापस आ गई? मैं तो बहुत खुश हूँ मेरी सिस्टर वापस आ गई. अब हम गेम्स खेलेंगे क्योंकि शूट भी अलग अलग हो रही थी. टैप 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 पे गेम्स खेलेंगे. बस इतना ही. आप बताएं क्या हो रहा है अभी घर में? अभी घर में फ़िलहाल तो हम जो शूट कर रहे हैं वो यही कि मुस्कान वापस आ गई है और अभी माँ ने एक बहुत बड़ा खेल खेला है जिसमें हम खुश हैं कि ये सब हुआ. क्या है वो खेल? अब वो हम नहीं बताएंगे. बस जो हम पूरा ये 3-4-5 एपिसोड से रो रहे थे थोड़ा रिलीफ मिलेगा हम लोग को. पर उसके बाद शायद फिर रोना होगा क्योंकि जैसे ही हम थोड़ा साथ चारों बहनें और माँ गले मिलती है हंसती है बस एक अगला जो ट्विस्ट आता है वो ही आता है हम रो रहे हैं. ये ऑडियंस शायद ज़्यादा कनेक्ट कर पाती जब हम रोते हैं. बट यहाँ अभी ऐसा ही हम बहुत खुश हैं कि मुस्कान वापस आ गई. हमारी दादी नहीं दिख रही क्योंकि दादी ने बेचारे तब से पट्टी बांध के बैठी हैं. वो जप कर रही थी जाप कर रही थी. तो दादी आओ. दादी आइए थोड़ा सा खुशी बांटिए. आ जाओ इधर. तो हमारी दादी की पट्टी फाइनली खुली है. हाँ आ जाओ ना दादी. आ जाओ. नहीं आप अरे हमारी फैमिली के सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हो आप. आ जाओ. आप ही नहीं आ रहे आपकी पट्टी.
आइए, आप ही की बात हो रही है कि आपने कैसे पट्टी होली थी, आप कैसे खुश हो बताओ? कैसे खुश हो? हाँ, कितनी गंदारी बन के गंदारी वाली फीलिंग आ रही। कैसे लगा आपको पट्टी बांध के? बहुत अच्छा लगा, मुस्कान वापस आई बच्चों के लिए। असली में रो पड़ी थी दादी, मुस्कान वापस आएंगे। सच में बिटिया चारों इतनी प्यारी प्यारी सी बच्चियाँ मुझे मिली हैं, प्यारी सी बहुरियाँ मिली हैं नेचुरली, और बहुत लोग बहुत पसंद कर रहे हैं शो को, तो कैसा लग रहा है आप लोगों को? बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोग हो जिसमें और उसको पसंद किया जाए, इसीलिए तो हम लोग सब लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, जी जान लगा रहे हैं सब। अच्छा, शो बंगाल टीवी की टीआरपी इस हफ्ते बहुत अच्छी आई है। अच्छा। आपके शो की तो अच्छी चली रही है, तो ये बताइए कि दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे, आपका शो क्यों देखें और क्या नया ट्विस्ट के बारे में कुछ और बताएं? हमारे शो में तो ट्विस्ट पे ट्विस्ट आते रहते हैं, मतलब हमें खुद नहीं पता चलता। और हम लोग नाम इसका रंजू की बेटियां ट्विस्ट ट्विस्ट ही रंजू की बेटियां ने ट्विस्ट कीजिए आप लोग सारे। Excuse me, दादी इज़ अ बेस्ट डांसर। बहुत फनी, एक हम लोगों का सीन था। सीन फनी नहीं था, वो सीरियस था, पर फनी बन गया। वो क्या था कि हम लोगों को ना, हाँ हम लोगों को ना वो ललिता हमारे ऊपर गलत इल्जाम लगा देती है कि ये सब धंधा करते हैं, ये सब धंधा करती हैं, नाचने वालियाँ हैं, तो हम लोगों को जेल भिजवा देते हैं। हाँ, अब हम सब एक ही वो जेल के अंदर बंद हैं। हाँ, बंद है। अब बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है, दादी हमें नाचना सिखा रही है। हमने तो माय गॉड, एक मिनट देख के ऑडियंस कहे कि ये तो सच में। कौन सा डांस स्टेप था दिखाइए जरा। इन्होंने मुस्कान की पूरी वो की है, मतलब वो तो स्टाइलिंग तो आए पॉलिशिंग का एक्सप्रेशन, बच्चों को जरा सा वो कर दो, तो पैंपर किया कुछ भी कर दीजिए। हमारी दादी वेरी नाइस, वेरी नाइस। एक ग्रुप फोटो लेते हैं।